हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिबा हेल्थ टिप्स। आज मैं आपको बहुत सही और बहुत ठोस लक्षण बताऊंगी लड़का होने के। मेरी कोई भी वीडियो में लिंग का भेदभाव नहीं है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करें लाइक करने में, लाइक बहुत ज़्यादा करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सही और बहुत ही ठोस लक्षण बताऊंगी मैं आज के आपके घर में लड़का है कि लड़की है। ये मैं लक्षण अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज से पूछ पूछ के जो मैंने कलेक्ट की है इन्फॉर्मेशन, और गूगल पे सर्च करके जो कलेक्ट की है इन्फॉर्मेशन, और दाई माँ जो मेरी पुरानी दाई माँ गाँव में है उनसे पूछ पूछ के जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सिम्टम्स तो ये होता है घर में लड़का होने का कि लड़का जब आपके पेट में होता है तो आपको मूवमेंट थोड़ा देरी से होता है, मतलब 5वें महीने के बाद आपको पेट में मूवमेंट स्टार्ट होता है। वहीं लड़की के टाइम में 3रे महीने से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर लेडीज़ घबरा जाती हैं कि क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मेरे मूवमेंट इतनी देर में हो रहा है, और ये वो घबराने की बात नहीं होती। आप समझिए आपके घर में लड़का है। लड़के के टाइम में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी स्किन बहुत ड्राई रहेगी, आपकी स्किन पे पिंपल्स भी आ सकते हैं, प्लस आपका कुछ ना कुछ भाग चेहरे का काला, जैसे होंठ काले पड़ गए या गर्दन काली पड़ गई, तो ये होता है लड़के के टाइम में, तो घबराने की बात नहीं है। अगर लड़के के टाइम में आपको नीचे के पार्ट में हल्का हल्का दर्द भी एहसास होता है, तो ये दर्द एहसास हो तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि ये हो जाता है कभी कभी। जब प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो उसमें सब होता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। बहुत ही ठोस लक्षण होते हैं ये सब जानने के। अगर आपके घर में लड़का है तो आपकी कमर में भी हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, वो भी 6-7वें महीने के बाद, क्योंकि जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं या बच्चा होता है तो थोड़ा बहुत दर्द वर्द तो लगा ही रहता है। 9 महीने बहुत मतलब थोड़ा पेनफुल गुजरते हैं, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। और रहा चेहरे का सिम्टम्स, तो लड़की के टाइम में आपका चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत ग्लोइंग हो जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, और हाथ पैर बहुत खूबसूरत गोरे गोरे एकदम चिकने चिकने हो जाते हैं। और वहीं लड़के के टाइम में आपकी स्किन थोड़ी ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पिंपल्स आने लगते हैं, हल्का सा ब्लैक होट होने लगते हैं, गर्दन हल्की सी ब्लैक होने लगती है, तो ये भी बहुत बड़ी पहचान होती है लड़का या लड़के की। लड़के के टाइम में आपको दाई करवट लेटना ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको दाई करवट बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है लड़के के टाइम में। तो आप समझिए कि आपके घर में लड़का है। अगर आपको दाई करवट लेटने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में लड़का है। ये बहुत ही बड़ा सिम्टम्स होता है, बहुत बड़ी पहचान होती है। पहले ज़माने की दाई माइयाँ, पुरानी दादी नानी तो देख के औरत को बता देती थी कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है, लेटने से बता देती थी, चलने से बता देती थी, उनके पास बहुत नॉलेज होती थी। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपके लड़के के टाइम में बाल बहुत मज़बूत हो जाएंगे, घने काले मज़बूत बाल हो जाएंगे, और बाल झड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल। लड़के के टाइम में बहुत मज़बूत बाल हो जाते हैं, बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, घने हो जाते हैं। वहीं लड़की के टाइम में आपके बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बहुत झड़ते हैं बाल, औरत परेशान हो जाती है कि मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़े सिम्टम्स होते हैं, ये तो नॉर्मल होते हैं क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो ये सब चेंजेस आते हैं बॉडी में। अगर आपके पेट में लड़का है तो आपका एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरे ब्रेस्ट से ज़्यादा बड़ा होगा। ज़्यादातर माना जाता है कि राइट ब्रेस्ट का साइज़ आपका लेफ्ट ब्रेस्ट से थोड़ा हेवी दिखेगा, तो आप समझ जाइए आपके घर में लड़का है। राइट ब्रेस्ट का साइज़ अगर आपको थोड़ा हेवी वज़न ही दिखे लेफ्ट के अकॉर्डिंग, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में लड़का है। रही बात मूड स्विंग्स की, मूड स्विंग्स होना तो जायज़ बात है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हार्मोन्स बहुत तेज़ी से चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कम मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कम एहसास हो रहा है मूड स्विंग्स का, उल्टी जी मचलाना ये सब कम हो रहा है, तो आप समझिए घर में लड़का है। वहीं लड़की के टाइम में आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उल्टी जी मचलाना और ये सब बहुत ज़्यादा होता है आपको। सबसे बड़ा और सबसे अहम सिम्टम्स जो है, सबसे अहम सिम्टम्स घर में लड़का होने का ये है कि आपका पेट का आकार, अगर आपका पेट लंबाई में है, लंबान में है, नीचे की तरफ
हैवी हैवी है, गोल नहीं है पेट, ऊपर से लेकर नीचे तक की तरफ लंबा में है, तो ये लड़का होने के सिम्टम्स होते हैं। आप समझ जाइए कि आपके गोल में लड़का है। वहीं अगर आपका पेट गोलाई में है, एकदम गोल है, नीचे की तरफ लटका हुआ नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में लड़की है। ये बहुत ही बड़ा लक्षण होता है। पुराने ज़माने की दाई माइयाँ इसी चीज़ को देख के पहचानती हैं। कोल्ड फीट, अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग, थोड़ा ठंडे रहते हैं, चिल्ड रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है घर में लड़का होने का। लड़के के वक्त में अगर सर्दी के अलावा भी आपके पैर ठंडे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में लड़का है। ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। ये मैंने गूगल पे भी पढ़ा है और बहुत बहुत अहम सिम्टम्स होते हैं ये, कि मतलब पैर ठंडे हैं अगर आपके ठंड के अलावा भी, तो आप समझिए आपके घर में लड़का है। यूरिन का कलर, इससे भी आप पहचान लगा सकते हैं। अगर आपको यूरिन हल्का पीला कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है घर में लड़का है। वहीं गुलाबी कलर का यूरिन हो रहा है, तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीले कलर का यूरिन हो रहा है, तो ये आप समझ जाइए इन्फेक्शन का इशारा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी पिए, पानी की कमी बिल्कुल भी बॉडी मत रखिए। आपको खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, खट्टा चटपटा अचार ये सब खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, स्पाइसी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप समझ जाइए आपके घर में लड़का है। वहीं लड़की के टाइम में आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा खट्टा चटनी अचार कैरी ये सब खाने का मन कर रहा था, तो आप समझ जाइए कि घर में लड़का है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरे पेट में लड़का था तो मुझे खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, तो सब आसपास के लोग बोलते थे इसके पेट में लड़की है, खट्टा इतना खा रही है, लेकिन हुआ लड़का। सब एकदम उल्टा पुल्टा होता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि जब आपके घर में लड़का होता है, तो हल्का फुल्का आपके सर में दर्द बना रहता है, कुछ चीज़ें हार्मोन्स चेंजेस के ऊपर होती हैं। सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, हर चीज़ हर किसी के ऊपर एकदम फिट नहीं बैठती है। कुछ लक्षण किसी के ऊपर फिट बैठेंगे, कुछ लक्षण किसी के ऊपर फिट बैठेंगे, तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये बातें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तहत मैं बता रही हूँ, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोई सिम्टम्स किसी के ऊपर फिट बैठेगा, कोई सिम्टम्स किसी के ऊपर फिट बैठेगा। तो मैंने बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ से और अपनी दाई माँ से और गूगल पे सर्च करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है कि आपके ऊपर शायद कोई सिम्टम्स इसमें से फिट बैठ जाए। आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ध्यान रखना चाहिए, हल्का फुल्का योगा पोजेसेस और चलते फिरते रहना चाहिए 8वें महीने के बाद, कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। ये बात तो आपको पता ही होगी कि फ्रेश एयर लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है बेबी के लिए, ग्रीन घास पे चलना, अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखें कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हों। खूब अच्छा खाएं पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लें, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखें। मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बताया, मैं बता चुकी हूँ आपको। ये सिम्टम्स मेरी दाई माँ ने और पुराने ज़माने के लोगों से और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैंने बता रही हूँ। मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। नेक्स्ट वीडियो कौन